ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हाथों से लौटता हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, उत्तरा जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। मानिकगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड आदिवासियों को प्रेरित करने वाले, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ
न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिससे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को
नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन चार स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है? 2014 में जब हमें आप सब ने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब
100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे। ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे, ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे। जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे। और सरकार का भी माना दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज कैसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना, कठिन था मैं मानता हूं, लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को
कि मैं 1000 दिन में 18000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं, और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी, और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।